और आप सभी अयोध्या और फैजाबाद के हमारे पत्रकार बंधु। वैसे तो हम बहुत बार पहले भी मिल चुके हैं, शिवसेना पक्ष प्रमुख, शिवसेना प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का जो प्रस्तावित यहाँ का जो कार्यक्रम है, दौरा है, उस बारे में आपको पहले ही जानकारी हमने सूचित कर दी है। लेकिन कुछ दिनों से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि उद्धव जी आएंगे, उद्धव जी नहीं आएंगे, उद्धव जी का आने का जो कार्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस पवित्र भूमि पर मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी का आगमन अयोध्या में उनका आगमन होगा 24 तारीख को दोपहर उनका यहाँ आगमन होगा। पूरा कार्यक्रम आपको दे रहा हूँ। उनका स्वागत होगा फैजाबाद हवाई पट्टी पर। उसी दिन उनके दो प्रमुख कार्यक्रम हमने रखे हैं। दोपहर 3 बजे लक्ष्मण किला जो है हमारा, जो बाजू में जो एक भूमि है, महाराज जी के आशीर्वाद से वहाँ आशीर्वाद समारोह होगा, संत पूजन होगा और उस कार्यक्रम के यजमान जो होंगे वो उद्धव ठाकरे साहब मुख्य यजमान जो है वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी होंगे। उस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है। सभी अयोध्यावासी, यहाँ के संत, यहाँ के मंदिरों के प्रमुख, वहाँ यहाँ के पुजारी, जैसे आप करणी सेना, जैसे हमारे सहयोगी, सभी ने मिलकर ये आयोजन किया है कि अयोध्या के सभी संतों का पूजन और आशीर्वाद उद्धव जी को मिले। इस तरह का एक बिगर राजनीतिक कार्यक्रम वहाँ होगा और हमने सभी संतों को आमंत्रित किया है उस मंच पर और लगभग सभी संतों ने हमारे निमंत्रण का स्वीकार भी किया है। मैं कल शाम को विश्व हिंदू परिषद के यहाँ के मुख्यालय में गया था। हमारे सभी विश्व हिंदू परिषद के जो गणमान्य व्यक्ति थे, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे अयोध्या के महापौर साहब, मेयर साहब भी थे, हमने सभी को निमंत्रण दिया है और सभी की दृष्टि सकारात्मक है, सब आना चाहते हैं। हमने ये भी कहा है कि ये अयोध्या में जो उद्धव ठाकरे साहब आ रहे हैं वो राम लल्ला का दर्शन उन्हें करना है। अयोध्या के आंदोलन में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिवसेना ने 25 साल पहले यहाँ आकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और बाबरी का जो कलंक अयोध्या को लगा था उस मिटाने में जो कार्य किया है वो आज भी देश के और हिंदुओं के इतिहास में जो लिखा गया है उसको कभी आप कोई नष्ट नहीं कर सकते। कि अयोध्या में राम मंदिर सबके सहमति से बने, उद्धव जी की ये भी भूमिका रही है कि आज जो महाराष्ट्र में, देश में जो हम सत्ता के फल खा रहे हैं वो राम जी की कृपा है। अगर राम जी नहीं होते तो आज हम सब लोग जिस मकान पर पहुंचे हैं इस देश पे, देश की राजनीति में, वो नहीं पहुंच पाते। इसलिए राम का मंदिर बनना चाहिए और इसीलिए पार्लियामेंट में इस बारे में कानून बनाने के लिए प्रस्ताव भी आना चाहिए और प्रस्ताव को शिवसेना पूरी ताकत से समर्थन देगी और प्रस्ताव मंजूर कर लेगी। कानून बनाओ, अध्यादेश लाइए, ये भूमिका लेकर यहाँ उद्धव ठाकरे साहब आ रहे हैं। 25 तारीख को उद्धव जी का जो कार्यक्रम है वो राम जन्मभूमि अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन का कार्यक्रम रहेगा, सुबह 9 बजे। उसके बाद 12 बजे प्रेस वार्ता होगी और हम चाहते हैं कि
जब शिवसेना प्रमुख यहाँ अयोध्या में आ रहे हैं तो लाखों की संख्या में लोग आ सकते थे अयोध्या में, लाखों की संख्या में लोग आ सकते थे, लेकिन हमने यहाँ भीड़ का नियंत्रण किया है। फिर भी महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से जो लोग अयोध्या में पहुँचेंगे, उद्धव ठाकरे साहब उनसे संवाद करेंगे, जनसंवाद करेंगे। इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वो हमने बना लिया है और एक कार्यक्रम में आप कोई बदलाव नहीं होगा। कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ की जो प्रशासन के सहयोग से हमने बनाया है, और मुझे विश्वास है अब तक आप सभी ने शिवसेना को, उद्धव ठाकरे साहब को, बाला साहब ठाकरे जी को हमेशा प्यार और प्रेरणा दी है। उद्धव जी के इस कार्यक्रम को भी आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद मिले। जाएंगे ठाकरे साहब जी, देखिए हम चाहते हैं कि ये पूरा जो अयोध्या में उनका आगमन है, मंदिर में उनको जाना है, वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से रहे, कोई उसमें गड़बड़ न हो, इसलिए हम लोग प्रशासन से बैठकर एक योजना बनाएंगे। अगर हजारों लोग आते हैं तो हजारों लोग उद्धव जी के साथ मंदिर में नहीं जा सकते हैं, ये हमें मालूम है, तो भी बहुत गिने चुने लोग उनके साथ जाएंगे, बाकी के लोग उद्धव जी के आने के बाद दर्शन में अंदर जाने की हमने योजना बना ली है। विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम 25 नवंबर को है, आपका भी कार्यक्रम 25 नवंबर 24 दोनों दिन है, लेकिन जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने कार्यक्रम आनंद आनंद में तय किया, क्या लगता है कि शिवसेना के कार्यक्रम को जो है फ्लॉप करने की नीयत से किया गया या क्या? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा, थोड़ा सा डेट का क्लैश हुआ है, लेकिन सब आपको मालूम होगा कि 25 तारीख की घोषणा जो है उद्धव ठाकरे साहब ने सबसे पहले की थी। शिवसेना की जो दसरा रैली है मुंबई में होती है, उसमें उद्धव जी ने घोषणा की है कि मैं 25 तारीख को अयोध्या जाऊंगा, और उससे पहले मैं खुद यहाँ 4 बार आ चुका हूँ तैयारी के लिए, और मेरा यहाँ के जो प्रशासन के प्रमुख है, मेरा निवेदन भी लिखित स्वरूप में है कि उद्धव जी 25 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, तो हमने ये कार्यक्रम पहले से बनाया था। लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद या और संगठन भी उनका कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, तो हम मानते हैं हिंदुत्ववादी संगठन है, सभी सभी की ताकत है, हम एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते ना झगड़ना चाहते हैं, उससे जो हमारे धर्म के जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उनको बल मिलता है। तो हम सभी को साथ लेकर, हम जो मंच बनेगा विश्व हिंदू परिषद का, हम उनको भी नमस्कार करेंगे, सभी हमारे संत हैं, सभी हमारे महात्मा है, सभी हिंदुत्ववादी लोग हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़कर हम राम मंदिर का निर्माण कार्य करने का आयोजन करेंगे। तो उद्धव जी यहाँ आएंगे तो उनसे बात करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो पहले से तय किया है। मैं कल खुद विश्व हिंदू परिषद के यहाँ के मुख्य कार्यालय में गया था, और सभी वहाँ के जो महानुभव थे उनसे मेरी मुलाकात हुई है, चंपत राय जी थे, राजन पंकज थे, सांसद जी लल्लू सिंह जी थे, विधायक जी थे, वेद प्रकाश जी थे, और मेयर साहब भी वहाँ बैठे थे, तो हम मेरी सभी से कल बातचीत हुई, मैंने भी उनको सभी को निमंत्रण दिया है। सहमति की बात क्या है, सहमति तो ऐसे है कि मंदिर बनना चाहिए और सबको एक साथ रहकर काम करना चाहिए। जो हमारी भूमिका है कि अध्यादेश लाइए राम मंदिर निर्माण के लिए, ऑर्डिनेंस लाइए, हमारे पास पूरे मेजॉरिटी और बहुमत है, और यही भूमिका विश्व हिंदू परिषद की भी है, तो दोनों में कोई मतों का डिफरेंसेस नहीं है, हम एक एक मत से हम करना चाहते हैं। पंडित जी आप शुरू करें। लक्ष्मण किला के पावन पवित्र परिसर में परम पूज्य लक्ष्मण किलाधीश मैथिली रमण शरण जी की आशीर्वाद से, उनकी अध्यक्षता में अयोध्या फैजाबाद के सरस्वती के वरद पुत्र पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। साथ में शिवसेना के संजय राउत जी, मानशु सिंह, जो शिवसेना की उद्धव ठाकरे जी की यात्रा के समर्थन के लिए आए हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ में जो महाराष्ट्र से शिवसेना के लोग और अयोध्या के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका भी इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। अब हम संजय जी से आग्रह करेंगे कि वो आप लोगों को संबोधित करें यात्रा के संबंध में। मैथिली
रमन जी का मैं इस वार्ता प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। उनकी पवित्र भूमि पर हम बैठे हैं, उनका आशीर्वाद हमें है। पंडित मिश्रा जी है मेरे साथ, अमरनाथ मिश्रा जी है, और मुंबई से मेरे जो साथी आए हैं उसमें सांसद अनिल देसाई जी, शिवसेना के सेक्रेटरी सचिव मिलिंद नार्वेकर जी, मुंबई के मेयर रह चुके हमारे विधायक सुनील प्रभु जी भी हैं, अनिल परब जी हमारे विधायक भी है, अजय चौधरी जी है, हमारे पार्टी के सेक्रेटरी सूरज चव्हाण जी